हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉयड एयर कंडीशनर के अंदर ईसी एरर क्यों आता है, इसकी रीज़न बताएंगे, साथ ही इसका सलूशन भी बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लॉयड एयर कंडीशनर में जो ईसी का एरर आता है, इस एरर का जो सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा इसके आउटडोर के ऊपर। इनडोर के ऊपर ईसी एरर शो होता है लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो आउटडोर के ऊपर मिलेगा, उसके बाद इनडोर की तरफ भी आएंगे। तो ईसी बेसिकली जो एरर है वो आता है लो प्रेशर की वजह से, यानी कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर लो हो जाए, यानी कि रेफ्रिजरेंट कहीं से लीकेज हो जाए, तो तब ये एरर आता है ईसी का। अगर सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट पूरा है और उसके बाद भी ईसी का एरर आ रहा है तो इट्स मीन के जो उस प्रेशर स्विच है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उसका जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ईसी का एरर आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी लीकेज को ट्रेस आउट करें, अगर यूनिट के अंदर कहीं लीकेज है तो उस लीकेज को ख़त्म किया जाए और उसके बाद सिस्टम को सही तरीके से वैक्यूम करके उसके अंदर दोबारा रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।